नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाई को राखी बांधने आए दंपत्ति की वापस लौटते समय मार्ग दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। निकटवर्ती ग्राम में हुई मार्ग दुर्घटना से शोकाकुल परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। प्राप्त विवरण के अनुसार रामनगर निवासी हीरा सिंह पुत्र गोविंद सिंह 55 वर्षीय अपनी पत्नी कमला देवी 47 वर्षीय के साथ रामनगर से सितारगंज राखी बंधवाने आया था। दोनों लोग आज दोपहर को राखी बांधकर सितारगंज से वापस अपनी स्कूटी से रामनगर लौट रहे थे कि अचानक सिड़कुल के समीप ग्राम सिसौना में उनकी स्कूटी एक कैंटर की चपेट में आ गई, जिससे दोनों पति पत्नी कैंटर के नीचे आ गए। घटना में दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है, साथ ही दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। मार्ग दुर्घटना में हुई दंपत्ति की दर्दनाक मौत को लेकर उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये लगभग 3:15 बजे की घटना है आज दिन की, जो जिनकी मृत्यु हुई है, हीरा सिंह और आपके कमला देवी, ये सितारगंज में अपने भाई और अपनी माँ से मिलने आए थे और मिलकर वापस यहाँ से हल्द्वानी होते हुए रामनगर जा रहे थे। रास्ते में इनकी स्कूटी डिसबैलेंस हुई और फिसल गई और पीछे से आ रहे ट्रक में ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उसकी चपेट में आ गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। बाकी हमने पंचायतनामा की कार्रवाई का पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम कल होगा, क्योंकि अभी रात्रि हो चुकी है, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। जी, ट्रक भी हमारे कब्जे में है और उसको भी, वो भी कब्जे में है, हमारे जो ड्राइवर है। ट्रक नहीं है, पूछताछ करेंगे उससे, आवश्यक कार्रवाई हेतु हम यहाँ पर आ गए थे पंचायतनामा की कार्रवाई, और बाकी इनके मुकदमे के पंजीकृत होने के बाद आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।